हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आज हम बात कर रहे हैं कि सेल क्या होता है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं, और सेल इट्सेल्फ क्या है और उसके अंदर और कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स होती हैं। तो फर्स्ट कि Do you know that all living organisms are made up of very minute structures called cells? Cell का मतलब कोई भी organism. Organism का मतलब plant, animal, bacteria, virus, anything that is living is organism. वो किस से बना है? छोटी से छोटी unit, smallest unit that is functional unit is called cell. जैसे आप किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह कोई भी ऑर्गन है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट है उसको हम सेल कहते हैं। सेल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। दे आर जस्ट लाइक ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। आप उसके नीचे उन्होंने दो आपको पिक्चर्स दी हुई हैं कि जैसे दीवार के अंदर ब्रिक्स लगी होती हैं, इसी तरह किसी भी जैसे अनियन पील के अंदर सेल्स लगे हुए हैं। सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक इन 1665, जब वो अपने माइक्रोस्कोप के अंडर उसने जो कॉर्क होता है ना, कॉर्क का मतलब बेटा पहले दवाइयों पे कई बॉटल्स को बंद करने के लिए कॉर्क का ढक्कन लगता था, तो उसने की स्ट्रक्चर को वो जब वो अपने माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी कर रहा था तो उसे एक जैसे हनी कॉम के अंदर सेल्स होते हैं वैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, तो उन्हें तो उसने उन स्ट्रक्चर्स का नाम दिया सेल का। ठीक है, तो इसलिए ये आपको हिस्ट्री सेल की पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, What are the unicellular organism? Means organism which are made up of single cell. कि एक single cell ही एक पूरी organism होता है, वो सारे function अपने perform कर रहा होता है और अपने आप में एक complete organism है। इसके example में क्या आता है? Amoeba, paramecium. ठीक है, और जो organism की body और द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स दे आर कॉल्ड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर सभी आ जाते हैं, यूनिसेलुलर को छोड़ के जिसके अंदर रैट है, मैन है, गोट है, बुफेलो है, काउ है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं ये कई तरह के सेल से बने होते हैं। उनमें हम नाम ले सकते हैं प्लांट्स के अंदर जाइलम, फ्लोएम प्लांट्स में हो सकते हैं, और ह्यूमंस में हमारे पास ब्लड है, नर्व सेल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेल हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पिक्चर के अंदर आपके नीचे जो पिक है उसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की दिखाया गया है, अमीबा कैसे होता है, पैरामीशियम कैसे होता है, एंड द थर्ड पिक्चर इज़ ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम उसके बाद आता है कि ह्यूमन के एक ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं हम कि ह्यूमन चीक सेल्स, बच्चे उसके लिए क्या करना होता है कि अगर हम किसी को फर्स्ट टाइम कहते हैं कि भाई कहते हैं कि सेल क्या है, भाई आपने प्रैक्टिकली देखना है तो क्या करोगे, तो उसके लिए आप ह्यूमन चीक सेल्स ले सकते हो। कैसे लोगे? आप अपने माउथ के अंदर किसी स्पैचुला टाइप में, ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए, उससे आप अपने अंदर की लाइनिंग को, माउथ के अंदर की लाइनिंग को हल्का सा स्क्रैच करके निकालें तो उसके अंदर आपको वाइट आपकी स्किन आ जाएगी। उस स्किन को आप लैब के अंदर आपकी ग्लास की स्लाइड्स होती हैं उसके अंदर रख के कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हो तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है ह्यूमन सेल्स की, ये इस तरह दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब
कि हमारी जो अंदर की लाइनिंग है वो भी छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है। उसके अंदर आपको जो डार्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो न्यूक्लियस है, और बाकी जो एक फील्ड मटेरियल है दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। तो आगे हम इस इन सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे कि किसी भी सेल के अंदर मेन्स ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स का मतलब वो एक सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं दे आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेल्स। उसके अंदर आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है न्यूक्लियस, राइट। इस न्यूक्लियस के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, ये कैसे फंक्शन करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। और एक सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मीन्स एक कवरिंग है जो इन सबको इंटेक्ट रखती है, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये कैसे फंक्शन करती है, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन। और इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है, फ्लूइड जो भरा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। एंड अनदर टर्म इज़ वैक्यूल। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ आपको वैक्यूल मीन्स खाली स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देती हैं, उनको हम वैक्यूल कहते हैं। उनके बारे में भी हम अगली शीट्स में स्टडी करेंगे कि वैक्यूल की भी क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेल के अंदर होने में। अब हम आते हैं इसकी क्वेश्चंस पे। पहला है व्हाट आर सेल्स एंड व्हाट आर वेयर आर दे फाउंड। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है सेल्स क्या होते हैं, उसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे कहाँ पर मिलता है, दैट कैन यू कैन राइट ऑल्सो। व्हाट आर द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट एनी टू डिफरेंसेस। लिख पाओगे, यूनिसेलुलर में एक सेल है, मल्टीसेलुलर में ज़्यादा सेल है। ठीक है, यूनिसेलुलर में जो सारे फंक्शंस हैं वही सेल परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मल्टीसेलुलर में अलग अलग सेल्स को अलग अलग फंक्शन दे दिए जाते हैं। थर्ड इज़ नेम द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है बच्चे कि सेल जो जनरली होते हैं बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ सेल्स बहुत बड़े हैं, जैसे ऑस्ट्रिच का एग है वो काफ़ी बड़ा है, उसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इज़ इट विजिबल, इसका यस आंसर आप लिखेंगे, ऑस्ट्रिच एग इज़ विजिबल। हु डिस्कवर्ड द सेल्स एंड व्हेन, दिस इज़ ऑल्सो क्लियर, रॉबर्ट हुक ने 1965 में सेल को डिस्कवर किया था। विद दिस दिस वर्कशीट इज़ कम्प्लीट एंड आई होप यू विल submit in the group. Thank you so much.